वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। कई पॉलिटिकल जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। 4 जून को इन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति को ललकारने का मतलब क्या होता है। कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर का कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया, तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा दी। आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक हैं, और मैं तो हैरान हूं, कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, बाड़ा साहब आप ठाकरे जी, बाड़ा साहब ठाकरे जी, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज तुर्जा भवानी से आशीर्वाद लेकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए निकल पड़े थे। वे शक्ति के उपासक थे, और उसी शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे पता नहीं, बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, साथियों, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता नारी शक्ति को दी जाती है। आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया है। और इसलिए ही जब चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंचा था, तो हमने उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया।
कई पॉलिटिकल जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी भावना के साथ हम मां भारती की भी पूजा करते हैं, इसी भावना के साथ हम मां भारती की शक्ति उसे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रकवि कुवेंपु ने भी कर्नाटका की इस धरती के लिए क्या कहा था? कुवेंपु जी ने कहा था, मंत्र कणा शक्ति कणा ताई कणा देवी कणा। उन्होंने कर्नाटका माता को भी शक्ति के रूप में देखा था। इंडी अलायंस के लोग अब इसी शक्ति को कुचलना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है मां भारती की शक्ति पर वार। ये शक्ति ही है जिसके अवतरण से भारत की भूमि से आतंक और अत्याचार का अंत होता है। इंडी अलायंस ने, कांग्रेस ने इसी शक्ति को ललकारा है। कांग्रेस को इसका जवाब देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी देगी, शक्ति का हर उपासक देगा। 4 जून को इन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति को ललकारने का मतलब क्या होता है।